बोलिए क्या 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 आयरा का आइडिया बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था. इस नॉट ए मींस हम तो इसके साथ जी रहे लास्ट तीन साल से, दो तीन साल से इस पे VFX का काम चला हुआ एंड एवरीथिंग. दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू बेसिकली. जब मैं फाइनल कॉपी आई सॉ इट ऑन सैटरडे, बिकॉज एवरी डे इस पे करेक्शंस आता है, एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज होता है. बिकॉज जब आपका फिल्म टोटली ड्रामा ना हो एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इट टेक्स टाइम. बट द आइडिया ऑल स्टार्टेड, आपको मैंने जो बोला था, आइडिया स्टार्टेड विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ AI. जब कोविड में आपका बहुत हलचल मच गया था कि यू नो पीपल आर टॉकिंग ऑन जूम कॉल्स, पीपल कांट सी ईच अदर, पीपल ऑफिस में जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू योर जूम कॉल्स एंड एवरीथिंग. सो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं और इसका क्या रिपरकशन है आदमी को समझाते. सो ऑब्वियसली दैट वॉज द आइडिया हाउ इट वॉज सेट एंड नाउ मीन्स इट इज द राइट टाइम. एंड जो बढ़ गया है, जो अभी जो सिचुएशन है, इट इज क्वाइट राइट टू द टाइम फॉर रिलीज. रोहित जी इज अ बेस्ट फिट इन द कैरेक्टर. जब आप देखोगे वो आपको समझ में आएगा. बिकॉज इसपे जो है, मैं ज्यादा इसका प्लॉट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ. मतलब मैंने तो इस पे सोशल मीडिया में बहुत जगह पे देखा है कि आपका 2.5 मिनट का ट्रेलर में इन्होंने पूरा स्टोरी बता दिया. सो आप सोचो, ट्रेलर में आपको इतना स्टोरी समझ में आता है तो 2.5 घंटे में फिल्म में क्या क्या दिखाई देगा. तो वो समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स वेर वेरी वेरी स्पेसिफिक. हमने किसी को भी चूज किया है, हमने बहुत कुछ सोच के चूज किया है. कॉम्पेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग और बिलीविंग अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस इज नॉट ईजी. मैं किसी को भी जाके कोई भी एक्टर को बोलूंगा कि मेरे को ये करना है, सब ट्रस्ट नहीं करेंगे. बिकॉज आज के दिन में आपका हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स दे आर वेरी स्पेसिफिक, क्या क्या उनको क्या दिख रहा है. बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत कम है, वर्चुअलिटी ज़्यादा है. सो जब हम पिच कर रहे थे उनको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली ही इज द राइट चॉइस. AI will never replace humanity. I don't trust that statement. But I definitely believe that actually it can make your life better if it is utilized in a proper way. But हमारे industry में तो, film making में तो definitely कभी आपका है ना आदमी का replacement कभी computer कर नहीं सकता. आप कंप्यूटर को आपका स्लेव बना सकते हो. इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स विथ योर कंप्यूटर, इट कैन लेट यू बी मोर प्रोडक्टिव. दैट्स द होल आइडिया ऑफ AI. बट ऑफ कोर्स इस्तेमाल तो गलत हो ही रहा है. इस्तेमाल आज गलत नहीं, आज के दिन में नहीं हो रहा है. आज यू नो इट इज द स्टार्टिंग ऑफ, जिस दिन से ऐप वगैरह बनना चालू हुआ है उसके पीछे क्या मोटिव है किसी को कोई पता नहीं है. आप जब फ्री ऐप डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम में, आप नहीं देखते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो ना रोज. मीन्स आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट व्हाट्सएप एज थिंग. यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग एंड वेयर यू आर सेंडिंग द मैसेज. कहाँ पे किस डेटा सर्वर में जा रहा है, कहाँ पे से आपका मैसेज मेरे को आ रहा है, यू डोंट नो. इट मे बी समवेयर इन बिटवीन, अफगानिस्तान में जा रहा है ना चाइना में जा रहा है, यू डोंट नो. सो टेक्निकली इट इज अ वेरी ग्रे एरिया. So it's a grey area which we need to investigate. On जितना हम लोग जितना स्मार्ट होंगे, जितना और 2-3 साल बाद हम लोग ने जब फिल्म चालू किया था तो we were learning how to, because we knew the repercussions and what is going to happen. But today we know that what is ChatGPT, what is fake image. वो 2-3 साल पहले अपने को पता नहीं था, because this was only coming up. And that time we had made up the infrastructure. किसी का रूल्स वायलेट नहीं करके, किसी का लोगो नहीं दिखा के, वी हैव मेड दोस होल इंफ्रास्ट्रक्चर, होल UIs एंड एवरीथिंग. इट्स वेरी सिंपल. द गाइस गो एंड वॉच द मूवी इन सिनेमास. आई थिंक द होल आइडिया वॉज टू मेक अ मूवी वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग सोशल गैदरिंग. आज के दिन में हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज आई कम फ्रॉम ए जनरेशन, जब सिनेमा देखना हम खुश होकर देखते थे. वी टेक अ
यू नो बकेट ऑफ पॉपकॉर्न, गो एंड वॉच इट विद फैमिली एंड विद फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. वी वुड लाइक टू आस्क पीपल टू डू दैट, बिकॉज इफ यू गो एंड एंजॉय इट इन अ सिनेमा, इट्स अ सिनेमा एक्सपीरियंस. वी हैव मेड द फिल्म, वी हैव given a Dolby sound, we have done everything which is required for a cinema. So go and watch it in a cinema. Mobile phone में देख के क्या मजा आएगा? So वही request रहेगा कि people if they can go and watch it, they will understand more because है थोड़ा सा critical film. समझने के लिए you have to sit on it and because it will keep you gripped, very gripped, well gripped.